नमस्कार। अभी हाल ही में एक मूवी आई ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मास्त्र क्या होता है और क्या वाकई में ब्रह्मास्त्र था इस दुनिया पर? इस ब्रह्मास्त्र को सारे अस्त्रों का देवता क्यों कहा जाता? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या वाकई में इसका कहीं अपने वेद पुराण और ग्रंथ में वर्णन मिलता है? आज अपन फैक्ट के साथ में बात करेंगे कि क्या वाकई में ब्रह्मास्त्र था और क्या वाकई में इंसानों ने ब्रह्मास्त्र को चलाया। फैक्ट के साथ में आज अपन बात करेंगे। देखिए, इसका वर्णन अहिर्बुद्ध संहिता में मिलता है। बिल्कुल, जब आप इस संहिता को पढ़ोगे ना तो इसमें इस ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। बिल्कुल साहब, ये लिखा हुआ है। आप यह भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किया गया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। क्यों किया था? असुरों का नाश करने के लिए। जब बहुत आदि अनंत काल में जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था इस धरती पर और आकाश में और जल पर और हर जगह पे, तो ब्रह्मा ने इन असुरों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाया। यह ब्रह्मास्त्र अचूक है। यह अगर एक बार इस ब्रह्मास्त्र को चलाया तो यह अपना टारगेट फिनिश करके ही आता है। इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक बार अगर ब्रह्मास्त्र निकल गया ना तो वह अपना टारगेट अचीव करके ही आएगा। अब यह बना कैसे है? देखिए आप, ब्रह्मास्त्र किसी भी धातु से नहीं बना है। बिल्कुल, मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, ब्रह्मास्त्र किसी भी धातु से नहीं बना है। ब्रह्मास्त्र बना है पांच तत्वों से, जो इस पूरी धरती और पूरा संसार चलता है पांच तत्वों से। उन तत्वों से यह ब्रह्मास्त्र बना है। जल, अग्नि, थल, आकाश और वायु, इन पांच चीजों से मिलकर यह ब्रह्मास्त्र बना है। इसे चलाने के लिए भी मंत्र चाहिए। ब्रह्मास्त्र कई आपके जो आपने पुराने जमाने में देखा हो, जब महाभारत और रामायण के युद्ध होते थे तो जब पीछे तर्कस रहते थे, बाण धनुष हाथ में रहते थे और बाण तर्कस में पड़े रहते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र अदृश्य रहता है, वह किसी तर्कस में नहीं पड़ा रहता है। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए भी मंत्र चाहिए और ब्रह्मास्त्र को वापस, जब एक बार ब्रह्मास्त्र टारगेट अचीव कर लेता है, उसको वापस लाने के लिए भी मंत्र चाहिए। आप यह नहीं कि पीछे से ब्रह्मास्त्र निकाला ऐसे छोड़ दिया, बस टारगेट खत्म किया ब्रह्मास्त्र वहीं, नो नेवर। ब्रह्मास्त्र को चलाना होगा तो भी आपको मंत्र चाहिए। जैसे ही मंत्र करोगे तो ब्रह्मास्त्र हाथ में आ जाएगा और ब्रह्मास्त्र ने अपना टारगेट अचीव किया, अपने टारगेट को खत्म किया। फिर वापस अगर ब्रह्मास्त्र को आपको बुलाना है तो मंत्र बोलना होगा। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं आता है। और ब्रह्मास्त्र चलता है तो आप क्या देखते हो? बस ऐसे कुछ है। ब्रह्मास्त्र चलता है तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें, जल, अग्नि, थल, न वायु में हाहाकार मचता है। चारों तरफ अग्नि की लपटें चलती है, चारों तरफ वायु की आंधियां चलती है, चारों तरफ आकाश में बड़ी बड़ी गर्जना होती है और चारों तरफ जल में बड़ा बड़ा प्रलय आता है। ब्रह्मास्त्र कितने ही बड़े, मतलब हजारों परमाणुओं से बना, एक परमाणु बम कितनी है? ये विनाश ला सकता है। इस एक ब्रह्मास्त्र में हजारों परमाणु बम की शक्ति भरी हुई होती है, तभी यह परमाणु बम कहते हैं इसको। परमाणु बम का भी बाप कहते हैं ब्रह्मास्त्र को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पांच चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का वर्णन, अब आप कहोगे सर आप तो ऐसे ही कह रहे होंगे ब्रह्मास्त्र का वर्णन क्या है, नो नेवर। आप महाभारत पढ़िए, आप महाभारत के 13, 14 और 15वें अध्याय में महाभारत का वर्णन मिलेगा। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में जब युद्ध होता है, अंतिम युद्ध, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से पहले उसको चेताया जाता है आकाशवाणी के द्वारा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना करे, लेकिन वो नहीं मानता है, करता है। फिर अर्जुन के पास वही ब्रह्मास्त्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन
तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो देखिए आप, जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं? लेकिन ब्रह्मास्त्र आपस में नहीं टकराते, बीच में नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि अर्जुन से आग्रह करते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, और अश्वत्थामा से आग्रह करते हैं कि तुम दोनों अपना ब्रह्मास्त्र ले लो। अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी, ना तो ये जल बचेगा, ना ये थल बचेगा, ये नभ बचेगा, ना वायु बचेगी, ना अग्नि बचेगी, सभी नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन तो मान लेते नारद मुनि की बात और वापिस मंत्र बोलते हो तो ब्रह्मास्त्र उनके पास में आ जाता है। लेकिन अश्वत्थामा बहुत बड़ी गलती करते हैं, उनको ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या आती है लेकिन ब्रह्मास्त्र ग्रहण करने की विद्या नहीं आती है। वो नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, मुझे सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता है। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाता है और उस शिशु को टारगेट करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उस शिशु को बचा लेते हैं। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। इसके अलावा लक्ष्मण और मेघनाथ, रामायण काल में भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। मेघनाथ और हनुमान, एक बार जब हनुमान जी लंका को जलाने के लिए जाते थे, वहां पर हनुमान जी को बंदी बनाया जाता है। हनुमान जी कैसे बंदी बनते हैं? मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र के कारण। जब मेघनाथ हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है ना, तो हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो अपने आप को उस रस्सी में बंध जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी कभी भी ब्रह्मा का आदर नहीं करना चाहते थे। तो यहां पर भी मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाता है। कर्ण के पास में भी ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन कर्ण अपनी विद्या भूल जाता है लास्ट के समय। ब्रह्मास्त्र के अलावा ऐसे अस्त्र और हैं जो मंत्रों से चलते हैं, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, पर्जन्यास्त्र और गरुड़ास्त्र, ये भी मंत्रों से चलते हैं, इनकी भी तबाही बहुत ही भयानक होती है। अब देखिए आप, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र ये सिर्फ मंत्र से चलते हैं, ध्यान रखना, और अस्त्र किसी भी धातु से बने हुए नहीं होते हैं, इनकी तबाही बहुत भयंकर होती है। शस्त्र धातु से बने हुए होते हैं, ये तर्कश में रहते हैं और इनकी तबाही कम होती है, जैसे कटार, बाण, भाला, गदा और फरसा। अस्त्र और शस्त्र में यही अंतर है, अस्त्र हमेशा अदृश्य रहते हैं, ये कभी भी सामने नहीं रहते, जैसे मंत्र बोलते और प्रकट हो जाते हैं, और शस्त्र हमेशा तर्कस में पड़े रहते हैं या सामने रहते हैं। शस्त्रों से हाथों से लड़ा जाता है और अस्त्र हाथों से नहीं लड़ा जाता है, अस्त्र तो सिर्फ अपना काम करते हैं, एक बार आप मंत्र बोलोगे तो बस ये अपना काम कर लेंगे। तो अस्त्र और शस्त्र में ये फर्क होता है।